वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, और डिविजिबिलिटी रूल ये आपका फिफ्थ का या सिक्स का कॉन्सेप्ट है, बट ये यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप टेंथ में हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो भी आपके लिए प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि आप उस पर डिविजन फास्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो आप डिविजन फास्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो हम डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे हर एक नंबर का इंडिविजुअली, है ना, 11 तक डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, और उसके बाद फिर आप आसानी से डिवाइड कर सकेंगे। सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि वंस प्लेस जो है इसका कोई भी नंबर, है ना, उसका वंस प्लेस क्या होना चाहिए, वंस प्लेस मस्ट हैव इवन नंबर। क्या होना चाहिए, इवन नंबर। वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया 9 9 तो नहीं होगा, देखिए ये और हो जाएगा, ये 0 है, 0 ये भी इवन नंबर हो गया। 5 7 2 78 96, है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, इनके वंस प्लेस पे आपको इवन नंबर मिल रहा है, इसलिए ये सारे के सारे क्या हैं, डिविजिबल हो जाएंगे 2 से। उसके बाद 3 से डिविजिबल देख लीजिए, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबिलिटीबल, 3 से डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो उसके लिए आपको क्या चेक करना होगा, आपको क्या करना है, एड द डिजिट्स, डिजिट्स को एड कर दीजिए। इफ सम सम इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 3, तो क्या होगा, नंबर 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 इज डिविजिबल बाय 3। जैसे यहीं पर आप देख लीजिए 5 7 2, ठीक, 7 और ये 5 प्लस 2 7 कितना हो गया, 14, यानी ये डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक, 96 देखिए, 96 को ऐड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, 15 15, ये डिविजिबल है, 15 जो है वो डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब ये इसको डिवाइड करके भी आप चाहें तो देख लीजिए, तो 3 3 9 और 3 2 6। अब और देख लीजिए, ये 78 है, है ना, ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, ये भी 15 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी नंबर जो है डिविजिबल है किससे, ये नंबर भी डिविजिबल है 3 से। ठीक, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, आपको सभी डिजिट को ऐड कर देने हैं, और एडिशन के बाद अगर वो डिवाइड हो जाता है 3 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नंबर डिविजिबल होगा 3 से। ठीक है, चलिए 4 का देख लीजिए। 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या है, चेक द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर, इफ इट इज डिविजिबल बाय 4, नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल, है ना, नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप नंबर ले लीजिए 248, लास्ट के 2 डिजिट देखिए, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, डिवाइड करके देख लिए, 4 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
डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है। इसी तरीके से 796, ये दो नंबर डिवाइड हो जाएंगे 4 से, तो इस वजह से ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, डिविजिबल हो जाएगा 4 से, ठीक। अब आप 5 का डिविजिबल देख लीजिए, आपको यहां पे क्या देखना है, इफ वंस डिजिट है ना, वंस डिजिट इज 0 और 5, नंबर इज डिविजिबल बाय 5, जैसे 200 ये हो जाएगा डिवाइड है ना, 275 हो जाएगा डिवाइड, 395 हो जाएगा डिवाइड है ना, इसी तरीके से 210 हो जाएगा डिवाइड। तो ये सारे रूल हैं 2, 3, 4, 5 तक के, आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिए, वीडियो को वापस से बैक करके है ना,
और इसे फिर से समझ लीजिए और इन सब रूल्स को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इसे नोट करिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आपको 6 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर अगर एक नंबर है ना डिविजिबल है टू एंड थ्री बोथ, दोनों से एक ही टाइम पर डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो नंबर इससे भी डिविजिबल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप 96 देखते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसके वंस प्लेस पे 6 है, और इन दोनों को ऐड करने पे 15 आता है तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं 2, 7, 3, इसको चेक करिए, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा 3 से, क्यों, इसलिए क्योंकि ये सम जो है 12 बन रहा है, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होगा इसलिए ये नंबर आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अब आप देख लीजिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल, इसमें क्या करना है आपको, डबल कर दीजिए आप, डबल द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट को क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, डबल द लास्ट डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स, है ना, फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स कहिए या फिर रिमेनिंग नंबर कह दीजिए, है ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, और उस वक्त जो रिमाइंडर बचता है, रिमाइंडर कम्स 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 7, द नंबर वुड बी डिविजिबल बाय 7, है ना। क्या कहा है कि जो आपके पास नंबर है उसका आप लास्ट डिजिट क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए, ठीक। डबल करने के बाद जो बाकी डिजिट्स बचे उनमें से उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर बाकी बचने वाला रिमाइंडर जो है वो डिविजिबल है 7 से, 7 के टेबल में आता है, तो फिर वो जो है क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 7 से। फॉर एग्जाम्पल ये नंबर ले लीजिए 273, इसको आप करिए पहले डबल, 3 का डबल क्या होता है 6, तो 227 इसे आप डबल कर दीजिए, कर दिया 6 हो गया। अब जो बाकी बचा नंबर है उसमें से 6 माइनस कर दीजिए, कर दिया, कितना आया 21। अब ये 21 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। आगे समझ में, तो कोई भी नंबर जो 7 से डिविजिबिलिटी के लिए चेक किया जाएगा उसमें आपको क्या करना है, लास्ट की डिजिट को डबल कर देना है। डबल करने के बाद आप उसे रिमेनिंग जो नंबर है उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो बाकी बचेगा अगर वो 7 के टेबल में आता है, यहां पर 0 भी बच सकता है, अगर यहां पे 0 होता तो भी जो है क्या हो जाता, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता, बट यहाँ पे 21 बचा, तो 21 क्या है, 7 के टेबल में आता है, इस वजह से ये डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। अब हमें 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है। आप इसमें जैसे 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था आपने, जिसमें आपने क्या देखा था, लास्ट के 2 डिजिट देखे थे, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता था। ऐसे ही आपको यहाँ पे देखना क्या है, यहाँ पर देखना ये है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है डिविजिबल होने चाहिए, है ना। इफ लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8, द नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास नंबर ले लिया जाए कुछ,
दो तीन एग्जांपल में ले लिया जाए नंबर। एट टू सिक्स ले लीजिए, सेवन नाइन जीरो एट ले लीजिए, टू फोर जीरो एट ले लीजिए। अब आप इन सभी नंबर्स को चेक करिए वन बाय वन, क्या ये डिविजिबल हैं एट से या डिविजिबल नहीं है। अगर ये डिविजिबल होते हैं, लास्ट के तीन डिजिट्स डिविजिबल होते हैं एट से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर हैं ये डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक, आप इन्हें डिवाइड करके देखना पड़ेगा आपको। देखिए ये क्या है, डिवाइड कर दीजिए एट से, एट वन जा एट, ये छोटा है, जीरो से जाएगा, फिर हो जाएगा 26। एक के टेबल में 26 नहीं आता, ये डिविजिबल नहीं है। यहां पर देखिए आपको लास्ट के तीन डिजिट देखने हैं एट से डिवाइड करके, तो एट वन जा एट बचा वन, ये हो गया 10, एट वन जा एट बचा टू, ये हो गया 8, यानी कि 28। दैट मीन्स 28 तो एट के टेबल में आता नहीं है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। इसे कर लीजिए आप, एट वन जा एट, एट फाइव जा 40, और एट वन जा एट, है ना, ये लास्ट के तीन डिजिट डिवाइड हो गए हैं एट से, मतलब ये डिविजिबल हो जाएगा एट से। नाइन का डिविजिबल क्या होगा कि जितने भी आपके पास डिजिट्स हैं नंबर के वो सभी ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद जो भी आएगा अगर वो नाइन के टेबल में आता होगा, नाइन से डिविजिबल होगा, नाइन के मल्टीपल्स में से कुछ होगा, तो वो नंबर नाइन से डिवाइड हो जाएगा, है ना। आप क्या करें, ऐड ऐड द डिजिट्स एंड चेक इफ द सम इज ए मल्टीपल ऑफ किसका मल्टीपल होगा, वो मल्टीपल होगा नाइन का, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय किससे, डिविजिबल बाय नाइन। यही के नंबर आप उठा लीजिए, 8 26 ऐड करिए, 6 प्लस 2 8 एंड 8 16 नहीं होगा, 7 9 0 8 इसे आप ऐड करिए, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 8 24, ये भी नहीं आता, नाइन के टेबल में नहीं आता। 24 0 8 इसे देख लीजिए, 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14, ये भी नहीं आता, यानी ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, और नंबर्स देख लीजिए, ये तो सारे के सारे ऐसे थे कि जो डिविजिबल नहीं है, कोई और नंबर लेके देख लेते हैं, 7 7 एंड 4, ये देखिए 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 18, 18 जो है वो 9 के टेबल में आता है, दैट मीन्स ये डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 9 तक डिविजिबल टेबल कंप्लीट हो गया। 10 का बहुत सिंपल है, 10 में क्या देखना है, 10 में ये देखना है कि लास्ट में 0 आता हो, अगर किसी नंबर में लास्ट में 0 आता हो, क्या आता हो, लास्ट में 0 आता हो, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा 10 से, बहुत ही सिंपल है। तो अब आप आगे 11 का देखिए, 10 का मैंने आपको बता दिया है, इसे नोट कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आपको 11 का डिविजिटेबल देखना है, इसमें आपको क्या करना है, एड ऑड एंड इवन प्लेस डिजिट्स, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट देम, उन्हें क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट देम इफ डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11, है ना। क्या कहा गया कि एक नंबर है, उस नंबर के और डिजिट्स और इवन डिजिट्स को आप
क्या कर लीजिए, अलग अलग ऐड कर लीजिए, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आपस में। अगर सब्ट्रैक्शन 0 या मल्टीपल ऑफ 11 देता है तो नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और प्लेसेस कौन से होंगे, देखिए ये फर्स्ट प्लेस आ रहा है, ये थर्ड प्लेस आ रहा है, ये फिफ्थ प्लेस आ रहा है, तो ये क्या हो गए, ये ऑड प्लेसेस हो गए। तो 1 + 3 + 5, देन माइनस क्या करना है आपको, इवन प्लेसेस 2 + 4 + 6, 5 + 3 8 + 1 9, माइनस का 6 + 4 10, और 10 + 2 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये आएगा आपका, देखिए -3 आ रहा है, बट माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है डिविजिबल नहीं है 11 से। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, चेंज क्या कर लें कि ये नंबर जो है हम ऐसा लिख दें, ये नंबर हम लिख दें 4 2 3 4 5 6, ये ऑड प्लेसेस हैं 4 3 5, इन्हें ऐड कर दीजिए, माइनस करिए 6 4 + 2, तो क्या हो जाएगा 5 + 3 8 8 8 12, माइनस 6 + 4 10, और +2 12 0 आ गया। यानी कि ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा, ये नंबर तो डिविजिबल नहीं हुआ, बट ये नंबर डिविजिबल हो गया 11 से। क्यों, इसलिए क्योंकि ऑड प्लेस एंड इवन प्लेस इन सबको आप क्या करोगे, इन सबको आप ऐड करके फिर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि यहां पर 0 आया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप आगे के लिए बता दूं मैं, है ना, जैसे जैसे आपका 6 का डिविजिबल क्या था, 6 के फैक्टर्स अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 6 वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाता है ना, यानी इसके फैक्टर्स क्या थे, 2 और 3, अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, फैक्टर्स देखना है यहां पर, है ना। ऐसे ही अगर 12 है, 12 के डिविजिबल फैक्टर्स क्या आते हैं, 3 और 4, यानी कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है, कोई नंबर 4 से भी डिवाइड होता है, अलग अलग नहीं, भी यानी कि 3 से भी डिवाइड होता है एंड 4 से भी डिवाइड होता है, मतलब वो नंबर 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। 15 के लिए क्या है, 5 और 3, अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है, मतलब वो नंबर 15 से डिवाइड हो जाएगा। तो आई होप आपको डिविजिबल रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें बिल्कुल बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको इसको देखने को मिल जाएगा 6th क्लास की एनसीईआरटी की बुक्स में, है ना, या 6th क्लास की और दूसरे सिलेबस की बुक्स जो होती है उसमें आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें बहुत इंप्रूव्ड हो जाएंगी, है ना, और अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये ऐसे रह जाएगा। तो इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, डिविजिबल रूल कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में, बाय बाय।